वेल, अगर आप एक डिजिटल कोर्स क्रिएटर, ट्रेनर, कोच, कंसल्टेंट और अपने प्रोडक्ट्स को लॉन्च करना चाहते हैं, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही काम का होने वाला है। एक ट्रेनर, कोच, कंसल्टेंट और डिजिटल कोर्स क्रिएटर को सबसे बड़ा चैलेंज क्या आता है? उसको कुछ टूल्स एंड सिस्टम्स की रिक्वायरमेंट होती है सो दैट वो अपने डिजिटल मॉडल को एस्टैब्लिश कर पाए और वो भी एक मंथली और एनुअल कॉस्ट अगर उसको ना देना पड़े। हाउ ब्यूटीफुल दिस इज। एक ऐसा प्लेटफॉर्म मैं आज आपको इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ जहाँ पे आपको सारे रिसोर्सेज उसमें इंटीग्रेटेड मिल जाएंगे और वो भी आपको वन टाइम कॉस्ट के साथ। हाउ ब्यूटीफुल दिस इज। वेल, एक डिजिटल कोर्स क्रिएटर के सबसे बड़े चैलेंजेस क्या है? नंबर वन, उसको एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ पर वो अपने सारे प्रोडक्ट्स को होस्ट कर पाए और वहाँ से क्लाइंट को एक्सेस दे पाए। नंबर टू, एक वेबसाइट चाहिए जिसे वो प्रमोट कर पाए अपनी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को। नंबर थ्री, एप्लीकेशन भी चाहिए अथॉरिटी बिल्ड करने के लिए। पर चैलेंज क्या है, एप्लीकेशन को बनाने के लिए एक वन टाइम कॉस्ट इन्वॉल्व होती है और रिकरिंग पेमेंट्स भी इन्वॉल्व होते हैं मेंटेन करने की। सो एक एप्लीकेशन भी उसको रिक्वायरमेंट होती है अथॉरिटी बिल्डिंग के लिए। वेबसाइट एंड एप्लीकेशन को मेंटेन करने के लिए सर्वर कॉस्ट, एक होस्टिंग भी आपको मंथली और एनुअली देनी ही होती है। अपार्ट फ्रॉम दैट, एक ऑनलाइन सेशन कंडक्ट करने के लिए, क्लाइंट इंटरेक्शन के लिए जूम प्लेटफॉर्म चाहिए, जूम का मीटिंग प्लान एंड वेबिनार प्लान, जो कि अच्छा खासा रिकरिंग कॉस्ट जनरेट करता है एक डिजिटल कोर्स क्रिएटर। नाउ, स्किल्स आपके पास बहुत अच्छी खासी होती है, आप चाहते हैं कि अपने आप को डिजिटली प्रमोट करके बहुत सारा पैसा आप अर्न कर पाए। पर प्रॉब्लम क्या है, आप रिकरिंग कॉस्ट मंथली और एनुअली जो टूल्स एंड सिस्टम्स के होते हैं उसके कारण से आप नेक्स्ट स्टेप ले नहीं पा रहे होते हैं। आज एक ऐसा प्लेटफॉर्म से मैं आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ हर एक सिंगल चैलेंजेस पे बात करने वाले डिजिटल कोर्स क्रिएटर के लिए, और उनका सोल्यूशन मैं आपको एक ऐसे प्लेटफॉर्म के पे देने वाला हूँ जहाँ से आपका वन टाइम कॉस्ट में ही सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व होने वाले हैं। हाउ ब्यूटीफुल दिस इज। वेल, स्टार्ट करते हैं। वेल, सबसे पहले डिजिटल कोर्स क्रिएटर को क्या रिसोर्सेज की नीड होती है वो हम नोट डाउन करेंगे, और उसके बाद हर एक प्लेटफॉर्म के लिए कितनी रिकरिंग मंथली और एनुअल कॉस्ट, टाइम, एफर्ट देना होता है एक डिजिटल कोर्स क्रिएटर को, उसको कैलकुलेट करेंगे, और उसके बाद उन सभी रिसोर्सेज को कोशिश करेंगे कि एक प्लेटफॉर्म पे आपको इंट्रोड्यूस करवा पाए। हाउ ब्यूटीफुल दिस इज, और वो भी वन टाइम कॉस्ट में। सो सबसे पहले डिजिटल कोर्स क्रिएटर को नीड होती है एक जूम प्लेटफॉर्म की जहां से वो अपना लाइव सेशंस कंडक्ट कर सके, वेबिनार कंडक्ट कर सके, वन टू वन मीटिंग्स कंडक्ट कर सके। सेकेंड इज प्रोडक्ट होस्टिंग, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे अपने डिजिटल कोर्सेज को होस्ट कर सके और वहां से क्लाइंट को एक्सेस दे पाए। नंबर थ्री, वेबसाइट। यस, अथॉरिटी बिल्ड करने के लिए एक वेबसाइट की डेफिनेटली नीड होती है, एप्लीकेशन की भी एक नीड होती है आपको, अगर आपको एक अथॉरिटी और एक ब्रांड बनना है अपने डिजिटल कोर्स को लॉन्च करने के बाद। वेल, नंबर फोर इज यू नो पेमेंट गेटवेज। यस, पेमेंट इंटीग्रेशन आपको नीड होती है जिससे ऑटोमेटिकली क्लाइंट आपको पे कर पाए और उसको ऑटोमेटिकली डिजिटल कोर्सेज का एक्सेस मिल पाए। अनदर पार्ट इज एफिलिएट एंड कूपन कोड फीचर्स। यस, आज की डेट में अगर आप अपने क्लाइंट्स को ऑफर्स एंड कूपन कोड्स के थ्रू आप कुछ बेनिफिट्स नहीं देंगे तो आप मार्केट में हिस्ट्री बन जाएंगे। स्विगी, ज़ोमैटो से लेकर हर एक छोटी से बड़ी कंपनी इन फीचर्स को यूज़ कर रही है। सो एक ऐसा फीचर भी आपको चाहिए मार्केट में सस्टेन करने के लिए अपने आप को। सो डेफिनेटली हम बात करेंगे हर एक फीचर के बारे में, कॉस्टिंग के बारे में और उसको रिड्यूस करने के बारे में। वेल, अनलिमिटेड लैंडिंग पेजेस। यस, आपके डिफरेंट डिफरेंट अगर कोर्सेज हैं और डिफरेंट तरीके से आप प्रमोट करना चाहते हैं लैंडिंग पेजेस के साथ, तो यस, आपको लैंडिंग पेजेस भी चाहिए जहां से आप इमीडिएटली प्रीसेट थीम के साथ अपने प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर पाए, ज़्यादा आपका टाइम और एफर्ट ना लगे। नेक्स्ट इज कोर्स सर्टिफिकेशन। यस, अगर आपका क्लाइंट कोर्स कंप्लीट करते हैं और उसके बाद आप उनको अगर एक सर्टिफिकेट भी दे पाए, हाँ ब्यूटीफुल दिस इज, आपकी ब्रांडिंग इंक्रीज होती है, आप अथॉरिटी बिल्ड कर पाते हैं। नेक्स्ट इज कंडक्ट ऑनलाइन सेशंस, एग्जाम, असाइनमेंट्स, क्विजेज एंड मेनी मोर। इंटरेक्शंस के लिए बहुत जरूरी है कि आप उनको रेगुलर टच में रहें, क्विजेज, असाइनमेंट्स उनको देते रहें, तो इन सब फीचर्स के लिए आपको एक प्लेटफॉर्म चाहिए। वेल, अनदर थिंग इज कम्युनिटी बिल्डिंग। यस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अगर आप एक प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हैं और आप कम्युनिटी को बिल्ड करते जा रहे हैं और नेक्स्ट प्रोडक्ट जब आप लॉन्च करेंगे Within 7 days आप उस कम्युनिटी में से आपके पास रिकरिंग रेवेन्यू आने वाला है। सो कम्युनिटी बिल्डिंग आपको एक लॉन्ग टर्म प्लेयर बना। सो इसी तरह के काफ़ी सारे और फीचर्स हैं जो आपको एक प्लेटफॉर्म में चाहिए होते हैं सो दैट आपका काफ़ी सारा टाइम, मनी और एफर्ट बच पाए और आपका बिजनेस, आपका जो डिजिटल कोर्स क्रिएशन का जो मॉडल है वो ऑटोमेट हो पाए। सो वेल, स्टार्ट करते हैं जूम, यू नो जूम प्लेटफॉर्म से। ठीक है, दो तरह के जूम प्लान आपको ऑफिशियली देता है। नंबर वन इज मीटिंग प्लान, सेकेंड इज वेबिनार प्लान। मैं अपने कम्युनिटी में हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि आप वेबिनार प्लान के साथ में ही अपने सेशंस को प्लान करिए। और ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ आपको, मैं एक लॉजिकल रीज़न बताता हूँ। वेल, मीटिंग प्लान का जो कॉस्ट है अप्रॉक्सीमेटली 18K जूम की ऑफिशियल वेबसाइट पर अगर आप जाके देखेंगे तो आपको एनुअली देना होगा। एंड वेबिनार प्लान का अप्रॉक्सीमेटली 61,000 रुपीज़ एनुअली आपको पे करना होता है। नाउ इतना अच्छा खासा अमाउंट अगर आप पे करते हैं रिकरिंग, तो आपको सबसे पहले थॉट आता है कि अगर मेरा डिजिटल कोर्स मैंने अब क्रिएट कर लिया और अगर वो नहीं सेल आउट हुआ
तो मेरी कॉस्टिंग का क्या होगा, यू नो। सो हाउ ब्यूटीफुल दिस इज कि अगर ये दोनों प्लान आपको एक प्लेटफॉर्म के अंदर मिल जाए और आपको जीरो कॉस्ट के साथ में इंटीग्रेटेड मिल जाए, मतलब आपको कोई भी कॉस्ट नहीं देनी। वेल, सबसे पहले बात करते हैं मीटिंग प्लान एंड वेबिनार प्लान में। क्यों कह रहा हूँ आपको मीटिंग, और मैंने क्यों आपको कहा कि वेबिनार प्लान में हाईली रिकमेंड करता हूँ अपनी कम्युनिटी में भी। वेबिनार प्लान में एक फीचर होता है, अगर आप एक इनिशियल डिजिटल कोर्स क्रिएटर हैं और आप वेबिनार कंडक्ट कर रहे हैं, आपके वेबिनार में मान लीजिए 10 पार्टिसिपेंट्स आते हैं और उन 10 पार्टिसिपेंट्स के साथ आप हाई इंपैक्ट कंटेंट 2-3 आवर्स का देते हैं और एंड में अपने कोर्स को पिच करते हैं। नाउ आपके पास कंटेंट बहुत अच्छा था, 2 घंटे आपने बहुत ही अच्छा एंगेज किया अपने क्लाइंट्स को, हाई इंपैक्ट कंटेंट भी प्रोवाइड कराया, बट जब आप अपसेल कर रहे हैं कोई प्रोडक्ट और वहाँ पे अगर पार्टिसिपेंट्स 10 ही दिख रहे हैं और दो तीन मूड भी बना रहे हैं क्रेडिट कार्ड स्वाइप करने का, बट वो वापस से रख लेंगे बिकॉज ओनली 10 पार्टिसिपेंट्स के साथ में अगर आप पिच कर रहे हैं, एक साइकोलॉजी काम करती है कि इनके पास अभी क्राउड नहीं है, अभी ये न्यू प्लेयर है मार्केट में और न्यू प्लेयर के साथ में आप ही जानते हैं ट्रस्ट नहीं बन पाता है। सो इसका सोल्यूशन क्या है, आपके पास स्किल्स है, टैलेंट है, आप बहुत अच्छा प्रोडक्ट भी लॉन्च कर रहे हैं और स्टिल आपके एनरोलमेंट नहीं हुए बिकॉज आप वेबिनार प्लान के साथ नहीं जा रहे हैं। वेबिनार प्लान एक फीचर देता है आपको हाई पार्टिसिपेंट्स का, 10 लोगों के साथ भी आप अगर वेबिनार कर रहे हैं और अगर आपके इम्पैक्ट हाई है तो डेफिनेटली आपकी जो क्लाइंट्स हैं उनको नहीं पता पड़ पाएगा आपके पार्टिसिपेंट्स को कि कितने लोग आपके साथ लाइव अभी वेबिनार में कनेक्टेड हैं। ये फीचर वेबिनार प्लान में अवेलेबल होता है, हाई पार्टिसिपेंट्स आप कर सकते हैं, हर एक इंडिविजुअल पार्टिसिपेंट्स को नहीं पता लगेगा आपके साथ कितने लोग हैं। सो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ अगर आप इनिशियल एक कोर्स लीडर है, जनरली हमारी कम्युनिटी में कुछ लोग आके कहते हैं सर जिस दिन मैं बड़ा प्लेयर बन जाऊंगा उस दिन मैं वेबिनार प्लान परचेज करूंगा, बट मैं कहता हूँ बड़े प्लेयर बनने के बाद आपको शायद वेबिनार प्लान की नीड नहीं होगी बिकॉज वहाँ पे अथॉरिटी ऑटोमेटिकली बिल्ड हो चुकी है, अच्छे खासे नंबर्स हैं, नंबर्स को देखिए और नंबर्स आएंगे और आपके एनरोलमेंट बहुत तेज गति से होने वाले हैं। सो इनिशियल लेवल पे भी आपको वेबिनार प्लान से ही मैं हाईली रिकमेंड करूंगा। नाउ मैंने आपको जैसा कहा मीटिंग प्लान एंड वेबिनार प्लान दोनों आपको इस प्लेटफॉर्म पे जो मैं आपको बता रहा हूँ उसमें आपको इंटीग्रेटेड मिल जाएगा लाइफ टाइम के लिए। हाउ ब्यूटीफुल दिस इज, आपको कोई भी पेमेंट जूम को अलग से जाके नहीं करना, इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म आपको इसमें मिल जाएगा, एंटरप्राइजेस प्लान उसमें ऑलरेडी अवेलेबल है। ऑलराइट, नेक्स्ट इज प्रोडक्ट होस्टिंग, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट्स को होस्ट कर पाए और वहाँ से फनल सिस्टम भी आप क्रिएट कर पाए। नाउ मार्केट में ऐसे प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, ऐसे प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं, बट मंथली और एनुअल चार्जेस वो ले रहे हैं, यू नो। सो एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे आपको लाइफ टाइम के लिए अपने प्रोडक्ट को होस्ट कर पाए और आपको रिकरिंग पैसा नहीं देना। हाउ ब्यूटीफुल दिस इज। सो प्रोडक्ट होस्टिंग में एक चैलेंज और आता है, दैट इज कि आप फनल कैसे क्रिएट करेंगे। तो यस, आपको इस प्लेटफॉर्म पे फनल क्रिएशन पे मिलता है कि मान लीजिए आपने 8,000 rupees का प्रोडक्ट को लॉन्च किया है, उसमें से फर्स्ट पार्ट आप 1,000 rupees में लॉन्च कर रहे हैं और जहां पर एक्स अमाउंट ऑफ वीडियोस आप ओपन कर रहे हैं, द मोमेंट हाई इंपैक्ट कंटेंट क्लाइंट ने कंज्यूम किया और उसके बाद उसको अगर सेकंड पार्ट को देखना है तो आपको रिमेनिंग अमाउंट देना होगा उसको, तभी वो वीडियो अनलॉक होगी। तो फनल से आपको ऑटोमेटिकली मनी आपके अकाउंट में क्रेडिट होता है अगर आपका हाई इंपैक्ट कंटेंट है उस कोर्सेज में। सो फनल क्रिएशन भी उसमें आप कर ही सकते हैं। नेक्स्ट इज वेबसाइट। नाउ वेबसाइट का सबसे बड़ा चैलेंज क्या है आज की डेट में, 4,000 to 5,000, 10,000 rupees में एक अच्छी खासी वेबसाइट आप क्रिएट करवा सकते हैं, बट चैलेंज यहाँ पर नहीं है। चैलेंज है कि जब आप एक वेबसाइट को क्रिएट करवा लेते हैं और उसके बाद जब दोबारा आप उसको अपने डेवलपर के पास जाकर कहते हैं कि यार मुझे ये चेंजेस करवाने हैं, तब वो आपसे एक एक्स अमाउंट चार्ज करता है और नाउ आप एक ट्रैप में आ चुके हैं क्योंकि डेवलपर को आपको पैसे देने ही होंगे क्योंकि बैकएंड पूरा वो काफी टाइम से आपका हैंडल कर रहा है। सो नाउ रिकरिंग कॉस्ट इन्वॉल्व हो जाता है। नाउ चैलेंजिंग पार्ट इज यहाँ पे टाइम भी आपका बहुत जाता है, मनी भी बहुत जाती है आपकी और एफर्ट भी बहुत लगता है आपको। सो अगर मैं आपको इन तीनों ऑप्शंस का सोल्यूशन मैं दे दूं कि आपको एक वेबसाइट लॉन्च आप खुद अपने लेवल पे कर सकते हैं सो दैट आपको डेवलपर पे डिपेंडेंट ना होना पड़े, हाउ ब्यूटीफुल दिस इज, आपका रिकरिंग कॉस्ट भी इन्वॉल्व नहीं होगा, सेकंड आपका टाइम और एफर्ट भी बहुत ज़्यादा, जो झिकझिक आप डेवलपर के साथ बैठकर करते हैं ना वो आपको बहुत ही ज़्यादा इरिटेट करती है। एंड अनदर थिंग इज अगर आपकी वेबसाइट बार बार चेंज नहीं हो रही है, दैट मीन्स आपका बिजनेस इवॉल्व नहीं हो रहा है, आप बिजनेस में कुछ ग्रो नहीं कर रहे हैं। सो वेबसाइट बनी ही यू नो चेंजेस होने के लिए हर कुछ टाइम के बाद, अगर मैं अपनी मेकिंग स्पार्क वेबसाइट के लिए बात करूँ तो शायद 3 or 4 times हम लोगों ने उसको चेंजेस कर चुके हैं तो यू नो कम्प्लीटली। एंड सेकेंड पार्ट इज कि आपको होस्टिंग भी देनी होती है मंथली और एनुअली एक वेबसाइट को मेंटेन करने के लिए। सो अगर मैं कहूँ कि अगर एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे आपको होस्टिंग भी नहीं देनी है तो आपका रिकरिंग कॉस्ट होस्टिंग का भी फिनिश, मींस आपका मीटिंग प्लान, वेबिनार प्लान, आपका जो प्रोडक्ट होस्टिंग है, आपका जो वेबसाइट है और होस्टिंग है, अभी तक ये सब के आपके कोई भी रिकरिंग कॉस्ट इसमें इन्वॉल्व नहीं है। हाउ ब्यूटीफुल दिस इज। नाउ नेक्स्ट इज एप्लीकेशन। मानकर चलिए एक एप्लीकेशन को बिल्ड करवाने में आपको मिनिमम से मिनिमम 30-40K लगते हैं और अगर
और भी कम में अगर जाऊँ, आपका नोन है कोई वेब डेवलपर और वो आपको 20K में भी बना देता है। सो अगेन चैलेंज वही आता है कि टाइम मनी और एफर्ट आपका बार बार लगता है, बिकॉज हर कुछ टाइम बाद आपको न्यू आइडियाज़ आते हैं अपने एप्लीकेशन के लिए कि यार ये चेंज पर्टिकुलरली करना चाहिए। और जब आप वापस से डेवलपर के पास जाएंगे, वापस से वो आपके लिए एक अमाउंट चार्ज करने वाला, और वहाँ पे ट्रैप शुरू होता है और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है उस ट्रैप से बाहर निकलने के लिए। तो एक रिकरिंग कॉस्ट यहाँ भी इन्वॉल्व हो जाती है। सो मैं अपनी मेंटरशिप में भी कोशिश करता हूँ कि रिकरिंग कॉस्ट जितनी एक बिजनेस ओनर्स की, ट्रेनर की, कोचेज की बच पाए, तो वो अपने बिजनेस को स्केलेबल बहुत तेज गति से कर सकते हैं। वेल सो एप्लीकेशन उसमें आपको मिल जाती है उस प्लेटफॉर्म पे, पेमेंट गेटवे यस, अगर आपको एक पेमेंट इंटीग्रेशन करनी है तभी आपका बिजनेस ऑटोमेट हो पाएगा, आपका अकाउंट में ऑटोमेटिक अमाउंट क्रिएट हो पाएगा। नाउ अनदर थिंग इज एफिलिएट एंड कूपन कोड्स फीचर, यस एक ऐसे कुछ ऐसे फीचर्स जो स्विगी एंड ज़ोमैटो यूज कर रहे हैं। आप अपने क्लाइंट्स को, मान लीजिए कोई दिवाली ऑफर है अगर आप चलाना चाह रहे हैं, अब दिवाली पे आप अपने क्लाइंट्स को एक एक्स अमाउंट ऑफ डिस्काउंट देना चाह रहे हैं, एक्स परसेंटेज, आप कूपन कोड्स एंड यू नो के थ्रू आप दे सकते हैं दिवाली 22 कूपन कोड लगाइए और आपको एक्सेस मिल जाएगा एक्स परसेंटेज डिस्काउंट के साथ। इस तरह के फीचर्स भी आपको उसमें मिल जाते हैं। सो बिजनेस को बहुत फास्ट टेक आप ग्रो कर सकते हैं अनलिमिटेड लैंडिंग पे देते हैं। यस मान लीजिए आपने एक कोर्स को लॉन्च किया है और आपको लग रहा है कि यार मुझे एक और सेकेंड प्रोडक्ट को लॉन्च करना है, अब आपके पास वापस से एक लैंडिंग पेज को क्रिएट करने के लिए 3-5 डेज चले जाते हैं और आप लॉन्चिंग में जो आपका एफर्ट जा रहा है उसकी जगह आपका बैक ऑफिस में बहुत सारा एफर्ट लग जाता है। तो इसको बचाने के लिए बेस्ट पार्ट इज कि आप एक प्रीसेट लैंडिंग पेजेस में अपने कंटेंट को कॉपी एंड पेस्ट करिए, एडिट करिए और उसके बाद अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करिए। अगर आप लैंडिंग पेज का कॉन्सेप्ट नहीं जानते हैं तो लैंडिंग पेज मतलब क्या है, क्या डिफरेंस है बेसिकली लैंडिंग पेज एंड वेबसाइट में। लैंडिंग पेज एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए की डिटेल्स के साथ में होता है, वेबसाइट पे आपके कंप्लीट प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की डिटेल्स होती है। वेल नेक्स्ट इज कोर्स सर्टिफिकेट, यस जैसा कि मैंने पहले कहा, अगर आप ब्रांड बिल्डिंग करने में बिलीव करते हैं, लॉन्ग टर्म प्लेयर बनना चाहते हैं, सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराइए, एंगेजमेंट करिए क्लाइंट्स के साथ, डेफिनेटली आपके न्यू जो प्रोडक्ट्स होंगे उनके लिए वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होने वाले हैं। सो सर्टिफिकेट अगर आप उसी प्लेटफॉर्म से जनरेट कर पाए और एक कोर्स कंप्लीशन के बाद एक क्लाइंट को सर्टिफिकेट मिल पाए, हाउ ब्यूटीफुल दिस इज, ये आपको एक बड़ा प्लेयर दिखाता है मार्केट में। ऑलराइट नाउ द थिंग इज कंडक्ट ऑनलाइन सेशन, एग्जाम्स, असाइनमेंट, क्विजेस, मैनुअल, आप और हम जानते हैं इसका इंपॉर्टेंस कितना है। सो यस एक ऑनलाइन सेशन आप उस प्लेटफॉर्म पे ही कर पाए, जैसा कि मैंने कहा आपको जूम इंटीग्रेटेड मिलता है उसमें, मीटिंग प्लान एंड वेबिनार प्लान, वो भी 500 पार्टिसिपेंट्स के लिए, यू नो। सो ये और इसमें भी कुछ आई थिंक पैरेलल मीटिंग्स भी आप इसमें कर सकते हैं। सो यस एंड अनदर इज कम्युनिटी बिल्डिंग, काफ़ी सारे ऐसे ऑप्शंस आपको उसमें मिलते हैं कि आप कम्युनिटी को बिल्ड कर पाए वहाँ पर और एक साथ कुछ इंट्रैक्शन कर पाए, सो दैट आपकी न्यू प्रोडक्ट लॉन्चिंग में आपको एक अच्छा खासा रेवेन्यू एक साथ में यू नो मिल पाए। वेल जैसा कि मैंने कहा था कि एक डिजिटल कोर्स क्रिएटर के लिए सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मैं आपको इस प्लेटफॉर्म के थ्रू देने वाला हूँ। सो नाउ आप अज्यूम करिए कि सारे फीचर्स इंक्लूडिंग जूम, लाइफ टाइम वेबिनार, मीटिंग प्लान, प्रोडक्ट होस्टिंग, वेबसाइट, एप्लीकेशन, यू नो, पेमेंट गेटवेज, आपको अनलिमिटेड एंडिंग लैंडिंग पेजेस, कम्युनिटी बिल्डिंग के काफी सारे फीचर्स, लट मोर मेनी फीचर्स जो मैं अभी अगर डिस्कस करने लग गया तो डेफिनेटली वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इन सभी फीचर्स के साथ में अगर आपको लाइफ टाइम वर्ड लगा दिया जाए, यू नो, कि अगर आपको वन टाइम कॉस्ट देनी है इंक्लूडिंग जूम, लाइफ टाइम वेबिनार एंड मीटिंग प्लान, 500 पार्टिसिपेंट्स, हाउ ब्यूटीफुल दिस इज। अज्यूम करके मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कितना आपके हिसाब से प्राइस होना चाहिए, 30,000, 50,000, 40,000, 70,000, 1,00,000, जो भी वन टाइम कॉस्ट आप सोच रहे हैं, आप जरूर मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा। विल नाउ आपके पास, आपके सामने बहुत सारी क्वेरीज आ रही होंगी कि ये प्लेटफॉर्म किस तरह से मेरी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर पाएगा और क्या मेरे लिए बेनिफिशियल है या नहीं। तो यस, स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहे होंगे, टीम से कनेक्ट करिए, लाइव 1-to-1 डेमो शेड्यूल करिए, 15-20 मिनट्स 30 मिनट्स का टाइम निकालिए और प्लेटफॉर्म को पूरी तरह से समझिए। अगर आपको लगता है कि आपकी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो सकती हैं और ये एक वन टाइम सॉल्यूशन की तरह आपकी मॉडल में इनेबल हो सकता है तो डेफिनेटली टीम से कनेक्ट करके व्हाट्सएप पे भी कनेक्ट कर सकते हैं, आपके व्हाट्सएप नंबर भी है और आप कॉल भी कर सकते हैं। एंड वन मोर थिंग, अभी कुछ टाइम के लिए लाइफ टाइम के लिए अवेलेबल है, लिमिटेड टाइम के लिए। एंड सेकेंड, इसमें 5 प्रीमियम बोनसेस भी आपको अवेलेबल है, उसमें क्या 5 बोनसेस है वो भी आपको यू नो जब आप टीम से कनेक्ट करेंगे तो आपको डिस्कस कर दिया जाएगा, बट डेफिनेटली यस कुछ ऐसे बोनसेस जो आपके बिजनेस मॉडल को और ऑटोमेट करने के लिए हेल्प करने वाले हैं। इन साथ में यस, अगर आप कोई भी बिजनेस ग्रोथ एंड बिजनेस ऑटोमेशन रिलेटेड कुछ चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं, यू कैन रीच आउट टू मी एंड माय टीम, वी आर डेफिनेटली ट्राई टू सॉल्व यू ऑल योर बिजनेस रिलेटेड चैलेंजेस एंड सॉल्यूशंस। एंड सो डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। आई होप आपको, जैसा मैंने कमिटमेंट किया था कि जितने डिजिटल कोर्स क्रिएटर जर्नी के लिए जो चैलेंजेस आपको आने वाले हैं वो आपको मैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म की का ओवरव्यू देने वाला हूँ जहाँ से सॉल्व होने वाले हैं। सो कनेक्ट करिए टीम के साथ, कोई भी चैलेंजेस है, कोई भी क्वेरीज है, हर क्वेश्चन का आपको शायद वहाँ पर जवाब मिल जाएगा। डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर सकते हैं, बिकॉज आने वाले टाइम में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स
और इवन काफी हाई पैक कंटेंट मैं आपको इस चैनल पर लेकर आने वाला हूँ। बाय बाय एंड टेक केयर।